गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माइसेल प्रतिमा जसवाल, एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर। बच्चों, टुडे वी आर लर्न चैप्टर 8 पार्ट सेकंड। इट मींस टिल चैप्टर सेकंड ऑल वीडियोस एक्सरसाइजेस आर गिवन। इफ डोंट हैव एनी एक्सरसाइज और वीडियो, यू चेक इन द कैंपस ऐप। बच्चों, टुडे इज आवर लास्ट वीडियो from the half yearly course. It means our half yearly course is completed. Today's video is the last video of the half yearly course. Okay, so this is chapter 8 part second video. In the chapter 8, the chapter 8 name is clothes. So in the part first video we learn about the clothes, what is clothes, why we use clothes, why we do need clothes, and how clothes is important for us. In the first video we will learn about the clothes, means हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा, उनका हमारे लाइफ में क्या जरूरत है, हम क्यों उन्हें यूज करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो हमने क्लोथ्स के बारे में जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्लोथ्स बनते हैं तो वो बनते कैसे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था, हाँ फर्स्ट वीडियो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं। जैसे हम फेस्टिवल पे कलरफुल क्लोथ पहनते हैं। ये देखिए, देखिए आपको लास्ट में नीचे आपको ये क्लोथ दिख रहे होंगे ना, देखिए ये फिगर दिख रहा है ना, ये देखिए इन्होंने कलरफुल क्लोथ पहने हैं, या सीजन के अकॉर्डिंग इस बच्चे ने क्लोथ पहने हैं। जैसे ये रेनी सीजन में है तो इसने रेनकोट और ये अम्ब्रेला कैरी किया है, और ये लड़का जो है ये विंटर सीजन को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसने ग्लव्स और मफलर और ये कैप वगैरह पहना है। इसके अलावा ये लड़की जो है ये डिनोट कर रही है कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, या हमारे जो फादर या बड़े अंकल या बड़े घर के जब किसी किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ का एक ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना बच्चों। तो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया। अब सेकेंड वीडियो में वी लर्न अबाउट द फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। व्हाट इज फाइबर? बच्चों, फाइबर इज अ फिलामेंट्स, मींस हम कह सकते हैं हिंदी में कि फाइबर जो होता है वो रेशों को कहते हैं, तंतुओं को कहते हैं, मींस एक धागे जैसा स्ट्रक्चर या और रेशों जैसा स्ट्रक्चर हम से कहेंगे फाइबर्स। तो जैसे कि जो हमें फाइबर्स हमें दो तरह से मिलते हैं, एक तो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट से या एनिमल से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है कि हमें कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर मिलता है, और जो हमारे शीप्स होती हैं, जो हमारी भेड़े होती हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उनको हम एज अ ऊल यूज करते हैं। तो जो कॉटन क्लास से क्या होता है बच्चों की कॉटन फाइबर बनता है, जो हम समर वियर क्लोथ बनवाते हैं उससे, और जो हमारा वूल फाइबर है उससे हम वूलन क्लोथ बनाते हैं, जिसको हम विंटर वियर क्लोथ बनवाते हैं। इट मींस समर वियर मींस गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़े, और विंटर वियर मींस ठंडियों में पहने जाने वाले कपड़े। तो अब ठंडी के मौसम में बच्चों अलग कपड़े और गर्मी के मौसम में अलग कपड़े हम क्यों पहनते हैं? हाँ बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीजन हमें जो है सीजन हम कपड़ों का यूज जो है वो मौसम की जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनसे जो हमें हार्म होता है उससे बचने के लिए हम करते हैं। या हम देखिए हम फूड क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी लगती है, जो डिफरेंट टाइप के हमारे बॉडी वर्क करती है तो उसमें जो एनर्जी लगती है तो उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जो जरूरत होती है वो हमें मिलती है फूड से। तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। उसके अलावा जो हमें क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करती है, किससे? एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा समर में बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को हीट हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो हम कपड़े को कवर क्लोथ से अपनी बॉडी को कवर करके गर्मी से बच सकते हैं। और बहुत ज्यादा ठंडी लग रही हो, ठंडी के मौसम में जब विंटर में बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है तो हमको बहुत ठंडी लगती है, हम इतनी ठंडी लगती है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ्स वियर करते हैं। तो वो वूलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कीप इट वार्म,
गर्म रखता है, तो फिर हमारी बॉडी जो है ठंडक से बच जाती है। और रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेनकोट कैरी करते हैं, तो रेनकोट क्या करता है, हमारी बॉडी को बारिश से बचाता है, हम बारिश में आसानी से आ जा सकते हैं। इसके अलावा हम छाता कैरी करते हैं यानी अम्ब्रेला कैरी करते हैं, तो अम्ब्रेला क्या करता है, हमको वाटर जो वाटर फॉल होता है रेनी सीजन में उससे हमें जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम फाइबर की बात करेंगे। तो बच्चों फाइबर जो ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं, फाइबर हमें दो तरह से मिलते हैं, एक तो हमें नेचुरली ऑब्टेन करते हैं हम, जो कि हमें प्लांट से मिल जाते हैं या एनिमल से मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे विभिन्न भेड़ जो हमारे शीप्स हैं उनके हेयर से, और बहुत तरह की गोट्स होती हैं जो माउंटेन्स एरियाज में पाई जाती हैं, तो इन गोट्स के हेयर से भी फैदर बनते हैं और वो वूल बनता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा गर्म, हमारा जहाँ पर सैंडी क्लाइमेट है, रेगिस्तानी एरिया है, रेतीला एरिया, सैंडी क्लाइमेट जहाँ होता है, जैसे कि हमारे राजस्थान जयपुर साइड में अपने इंडिया के, तो वहाँ पे क्या होगा कि दिन में जो है क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म होता है, जहाँ भी सैंडी क्लाइमेट होता है वहाँ पे क्या होता है कि दिन में क्लाइमेट बहुत गर्म होगा और रात में क्लाइमेट बहुत ठंडा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है जो कुछ जातियाँ जो होती हैं वहाँ पे सैंडी क्लाइमेट में क्या होता है, वहाँ का जो पेट एनिमल है वो है बच्चों कैमल, क्योंकि कैमल की बॉडी जो होती है वो सैंडी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि कैमल की बॉडी में सबसे पहले उसके जो पैर होते हैं तो उसके पैर जो होते हैं फ्लिपर्स फ्लपी होते हैं बिल्कुल नीचे, तो फ्लपी होने की वजह से उसके जो पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं, वो रेत में जो हमारा सैंड होता है रेत उसमें आराम से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा उसकी बॉडी जो है गर्मियों के डे टाइम में क्या होता है कि उसको उसकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा वाटर अब्जॉर्बिंग सेल्स होती है, जैसे हम लोगों की सेल्स ज्यादा वाटर अब्जॉर्बिंग नहीं होती है, लेकिन कैमल की जो सेल्स होती है वो वाटर अब्जॉर्बिंग होती है, तो इस वजह से वो एक बार पानी पी के बहुत देर तक रह सकता है, उसको भी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके बैक पे जो एक हम्प होता है, बैक पे एक ऐसे ऊंचा सा हम्प होता है ऑर्गन्स का, तो उस हम्प में क्या होता है फूड स्टोर होता है उसकी बॉडी में, जब वो भोजन खा लेता है तो उसके हम्प में फूड स्टोर हो जाता है, तो जब वो धीरे धीरे वो फूड वहां से फूड की एनर्जी उसकी बॉडी को मिलती रहती है, तो इस वजह से जो कैमल है वो बिना भोजन और बिना पानी के जो है सैंडी क्लाइमेट में आराम से ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाता, इस वजह से वो पेट एनिमल है और लोग उसको पालते हैं क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है, आप उससे आराम से सैंडी क्लाइमेट में वो एज अ, जैसे हम लोग यहाँ पर घोड़े या म्यूल्स हो गए या जो भी हमारे और भी एस हो गए डोंकीज, तो इन सबसे क्या बोझा ढोने का काम करते हैं, तो वहाँ पर सेम काम वहाँ के कैमल्स क्या करते हैं, वो सेम काम करते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं, कभी कभी कुछ इंसान कभी कभी ह्यूमंस को भी कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये उस क्लाइमेट में बहुत से कैमल के जो हेयर हैं वो भी वूल बनाने के काम आते हैं, क्योंकि सैंडी क्लाइमेट में भी ठंडक रात में बहुत ठंडक होती है, तो वहां भी वूल बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई नेचुरल फाइबर्स की, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से नेचुरली ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम कुछ जो फाइबर होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, मींस उन्हें हम बनाते हैं, उन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं उन फाइबर्स को, जैसे कि हमारे नायलॉन के फाइबर्स या रेयॉन के फाइबर्स जो हमारे रेनकोट वगैरह में लगते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, ये इस टाइप के फिलामेंट्स या इस टाइप के फाइबर्स होते हैं जो रिंकल्ड फ्री होते हैं, वाटर अब्जॉर्बिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनका कम होता है, वो जल्दी इजिली सूख जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द हमारे पर्पज उनको डिजाइन किया गया है, तो इन सिंथेसाइज फाइबर को हम मैन मेड फाइबर कहते हैं, यानी आदमी द्वारा बनाया गया फाइबर। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के फाइबर हमको मिले, एक नेचुरल फाइबर और एक मैन मेड फाइबर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स की, तो देखिए सबसे पहले आप चैप्टर 83 खोल लीजिए, तो फिर आपको ये समझ में आएगा फाइबर्स और फैब्रिक टॉपिक। वहां पे देखिए इस टाइप का, इस तरह का फिगर बना हुआ है, एक लेडी है जो वो वीव कर रही है, ये देखिए ये वीविंग है और ये निटिंग है, तो इसमें क्या क्या सिस्टम है ये क्या होता है मैं बताती हूँ। तो फाइबर्स आर लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड्स, तो फाइबर्स जो है वो लंबे पतले जो है बाल जैसे स्ट्रक्चर्स, बाल जैसे धागे होते हैं, दैट कैन बी वुवन एंड निटेड, जिसे क्या क्या वीव किया जाता है, निट किया जाता है, मींस जिसे बुनाई किया जाता है, और जिसे निटिंग का भी मींस बुनाई होता है बच्चों, लेकिन वीविंग में बुनाई करते समय दो धागे एक दूसरे के ओवर क्रॉस चलते हैं, और निटिंग में एक ही धागे से वीविंग होती है, वीविंग और निटिंग में बस इतना सा फर्क है, दोनों ही का मतलब है बुनाई करना, लेकिन वीविंग में क्या होता है बच्चों की दो धागों द्वारा बुनाई होती है, और निटिंग में सिंगल धागे से बुनाई होती है। ठीक है, तो
फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड. अभी आपको मैंने बताया है कि फाइबर जो है नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकते हैं. वंस द फाइबर इज मेड इट इज स्टिचेस टू मेक क्लोथ. तो एक बार जब फाइबर बन जाता है तो उसको फिर फैब्रिक सॉरी तो जब तक वो थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक रहता है जब वो थ्रेड के रूप में रहता तो हम उसे कहते हैं फाइबर. फिर वो थ्रेड से जो है उसको हम वीविंग या निटिंग के द्वारा फैब्रिक में चेंज कर लेते हैं. मतलब कि मींस जब थ्रेड को हम वीव करके या निट करके एक क्लोथ का शेप दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं फैब्रिक. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है तो ये देखिए ये लेडी क्या करी इस लेडी देखिए यहां तक आपको देखिए आधी दूर आपको क्लोथ दिख रहा होगा बना हुआ और उसके बाद वो वीव कर रही है. मींस ये जो ये फैब्रिक तैयार हो रहा है यानी कपड़ा तैयार हो रहा है. इसी तरह यहाँ पर ये देखिए ये निटिंग करके ये जो इसे कहते हैं निटिंग रॉड जिससे तो निटिंग रॉड द्वारा ये जो है वीव किया जा रहा है. और बीन के देखिए ये जो ये आपको कपड़े का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये निट करके तैयार होता है कपड़े का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फैब्रिक. तो ये वूल फैब्रिक और ये कॉटन फैब्रिक. ठीक बच्चों, क्योंकि निटिंग जो है मोस्टली ऊल को वीविंग करने में यूज किया जाता है. ऊन जो है सिंगल धागे बीनने में हम जो है उसका निटिंग का यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारा ये वूल फैब्रिक हो गया. अब नेचुरल फाइबर्स. अब नेचुरल फाइबर्स क्या, मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले कि एनिमल्स और प्लांट से मिलने वाले फाइबर नेचुरल फाइबर है. तो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो मैं अभी आपको बताया मैंने. फॉर एग्जाम्पल वी गेट कॉटन जूट लिनन फ्रॉम द प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स. तो एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने बताया है कि कॉटन प्लांट एंड कॉटन जूट प्लांट से जूट और या सिल्क प्लांट से जो एनिमल सिल्क एनिमल सिल्क मॉथ होता है जो सिल्क का निर्माण करता है तो सिल्क प्लांट से सिल्क और या वूल एनिमल से सिल्क सिल्क मॉथ से सिल्क और शेप या शीप या गोट वगैरह या कैमल इन सब एनिमल से हम वूल जो है ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पेज नंबर 83 पर कॉटन मटेरियल से बने हुए जो है कपड़े भी दिख रहे हैं. उसके बगल आपको जूट मटेरियल फ्रॉम द जूट प्लांट जूट के बैग बने हुए दिख रहे हैं. उसके बाद सिल्क मॉथ द्वारा जो सिल्क के फाइबर बने हैं उससे देखिए सिल्क फैब्रिक बना है. उसके बाद आपको शीप से जो ऊल बना है ऊल से ऊल का फैब्रिक आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा. मैं फिर से दिखा देती हूँ. ये देखिए कॉटन के फाइबर से कॉटन क्लोथ और जूट के फाइबर से जूट बैग और ये देखिए सिल्क के उससे सिल्क फैब्रिक और ये ऊल के उससे ये देखिए ऊल फैब्रिक यानी ऊल क्लोथ बना हुआ है. ठीक है बच्चों, तो सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर जैसे हमने आपको अभी भी बताया कि जो फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किया जाता है उसे हम मैनमेड फाइबर्स कहते हैं. उसका एग्जांपल हमारे जैसे लाइलॉन है, पॉलिस्टर है, टेरेलिन है, रेयन है, ये सभी क्या है सिंथेटिक फाइबर्स हैं. तो इनमें क्या क्वालिटी होती है, ये लोग क्या होता है सिंथेटिक फाइबर स्ट्रांग एंड दे लास्ट लॉन्ग. ये सभी क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं नेचुरल फाइबर के रादर देन ये जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं. दे कलर डू नॉट फेड और इनके जो कलर होते हैं वो फेड नहीं होते हैं. दे कैन बी स्ट्रेच इजली, ये अच्छे से जल्दी सिल जाते हैं, इनको सिलना आसान होता है और ये वाटर प्रूफ और रिंकल फ्री होते हैं. ये क्या होते हैं कि ये जल्दी ज्यादा वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होती तो ये जल्दी सूख जाते हैं और इनमें रिंकल्स भी नहीं आते हैं. तो ये ज्यादा दिन तक हम इसे पहनते हैं और ये कॉटन के अकॉर्डिंग जो है ज्यादा दिन तक चलते हैं और सस्ते पड़ते हैं. ठीक है, अब हमें केयर फॉर क्लोथ क्लोथ की कैसे केयर करनी है. तो सबसे पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द फाइबर फ्रॉम विच अवर क्लोथ्स आर मेड सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. तो अगर हमें अपने कपड़ों को अच्छे से रखना है तो हमें क्या करना है, उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी वरना हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे और वो हमारे यूज के लायक नहीं रहेंगे. तो फर्स्ट क्लोथ शुड बी वॉश प्रॉपरली. क्लोथ को हमें बिल्कुल सोप से अच्छे से धोना है जिससे कि उसका रिमूव उसका डर्ट रिमूव हो जाए, स्टेन और स्वीट उसका जो पसीना है या जो उसका स्ट्रेन है वो सभी कुछ उसका रिमूव हो जाए. और वियरिंग क्लीन क्लोथ हेल्प अस टू स्टे हेल्थी. और स्वच्छ कपड़े होते हैं जो क्लीन क्लोथ होते हैं हमको हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सेकेंड आफ्टर वॉशिंग क्लोथ शुड बी ड्राइड प्रॉपरली. और धुलने के बाद कपड़े को पूरी तरह अच्छे से सुखाना चाहिए और सभी कपड़ों को कुछ घंटे के लिए सनलाइट में जरूर सुखाना चाहिए. जब हम सनलाइट में कपड़ों को सुखाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो सन रेज के हीट से मर जाते हैं. ठीक है, थर्ड
क्लोथ में हैव रिंकल आफ्टर वॉशिंग, तो क्लोथ में धुलने के बाद रिंकल पड़ जाते हैं, उनमें मुड़ा तुड़ा ऐसा निशान पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं. सो दे शुड बी आयरन टू मेक देम लुक नीट, तो उनको क्या करना चाहिए, आयरन करना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल नीट और क्लीन दिखे. फोर्थ, वूलन एंड सिल्क क्लोथ शुड बी वॉश जेंटली. वूलन और सिल्क का जो क्लोथ है वो बहुत ही मुलायम फाइबर, हमारे नेचुरल फाइबर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फाइबर है, तो इनको बहुत ही अच्छे से बहुत ही जेंटली इनको वॉश करना चाहिए. ये नहीं कि ब्रश से रगड़ दे कि वो फट जाए, उसको बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ वॉश करना चाहिए, विदाउट इसका भी उनमें स्क्रब कभी भी नहीं करना चाहिए. दे शुड बी ड्राइड इन माइल्ड सनलाइट, और इन्हें कभी भी हाई सनलाइट में कभी भी ड्राई नहीं करना चाहिए, इनको माइल्ड सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, हल्की धूप में इनको सुखाना चाहिए. और कैन और उनको ड्राई क्लीन या फिर हम ड्राई क्लीन करवा सकते हैं. वी शुड नॉट स्ट्रोक वूलन और सिल्क क्लोथ इन हॉट वाटर एज मे डैमेज है द फैब्रिक. और कभी भी वूलन या सिल्क क्लोथ को गर्म पानी में कभी भी स्ट्रोक नहीं करना चाहिए, भिगोना नहीं चाहिए, उससे क्या होगा कि वो फाइबर्स डैमेज हो सकते हैं. ठीक. फिफ्थ, क्लोथ शुड बी स्टोर प्रॉपरली वेन नॉट इन यूज, और अगर हम किसी कपड़े को नहीं यूज कर रहे तो उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, उनको वॉश करके, क्लीन करके, उनको बिल्कुल स्टोर कर देना चाहिए. वूलन एंड सिल्क क्लोथ कैन बी इजिली अटैक्टेड बाई इंसेक्ट, क्योंकि वूलन और जो सिल्क क्लोथ है वो किसी भी इंसेक्ट द्वारा इजिली अटैक कर लिए जाते हैं. मीन्स इंसेक्ट जो होता है वो वूलन और सिल्क क्लोथ को इजिली अटैक करता है, अटैक करना चाहता है, क्योंकि ये सभी सॉफ्ट फाइबर होते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो तो वो हमारे खराब हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, उनमें मोथ बॉल्स और नेफ्थलिन बॉल्स, उनमें हम फिनाइल की गोलियां या नेफ्थलिन बॉल्स जो है वो डाल सकते हैं, या ड्राई नीम लीव्स या नीम की सूखी पत्तियां हम कपड़ों को स्टोर करते समय उसमें रख सकते हैं, जिससे भी कोई भी इंसेक्ट अटैक ना करे. ठीक है. और क्लोथ शुड बी कीप्ड इन क्लीन कपबोर्ड, और क्लोथ को हमेशा साफ कपबोर्ड, साफ अलमारी में रखना चाहिए. अलमारी भी गंदी नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें डर्ट भी लग सकता है और बैक्टीरिया भी लग सकते हैं, प्लस इंसेक्ट भी अटैक कर सकता है. ठीक है. और उनको समय समय पर कपबोर्ड एंड शुड बी रेगुलरली टेक आउट द ड्राइड अंडर द सन, और उनको रेगुलरली समय समय पर धूप में जो है ड्राई करना चाहिए, जिससे एक दो घंटे के लिए, जिससे कि उनमें कुछ भी अगर बैक्टीरिया वगैरह अटैक कर रहा हो तो वो खत्म हो जाए. ठीक है बच्चों, तो आपका चैप्टर 8 कम्प्लीटेड, ये चैप्टर 8 इज कम्प्लीटेड एंड विद द योर हाफ ईयरली कोर्स इज कम्प्लीटेड. So I suggest you please complete your all work, all exercise and word meaning. Okay? All exercise and word meaning is given in the campus app. Now we will provide you chapter 8 solved exercise. Okay? You completed your all course, and after this your revision will be started for your half yearly exam preparation. So be careful and prepare your exam and complete your homework by the chapter 8 and all chapter you should left. All chapter you should left, not if you left accidentally. Okay? So, good luck for your homework.